हाय, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम फिर बिल्कुल रेनबो पार्ट टू लेकर हाजिर हैं। वो जो हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी ने लिखा था, उसका पेज नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। पॉइंट नंबर 8 तक हम लोगों का पूरा हो गया था। तो चलिए आज हम पॉइंट नंबर 9 से इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज। बिल्कुल देख लीजिए आप। पॉइंट 9 कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि भारतीय सभ्यता इसको जो मैंने उसको वर्णन किया है, कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। वोटरीज मीन्स इनके मानने वाले। इनके मानने वालों के द्वारा भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है। हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, ऐसा नहीं है कि सारे सभ्यताओं ने परफेक्शन प्राप्त किया हो। परफेक्शन मतलब बिल्कुल परफेक्शन प्राप्त किया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा परफेक्शन बिल्कुल भी की पूर्णता किसी को नहीं मिला है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बींग। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की जो क्या बोलते हैं कि टेंडेंसी है, का झुकाव है, वह है मॉरल बींग, मीन्स नैतिकता को बढ़ावा देना है। जबकि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो दुनिया के पश्चिमी देशों का, पश्चिमी सिविलाइजेशन का काम क्या है, वो सिर्फ प्रोपेगेट इमोरैलिटी, जो अनैतिकता को प्रोपेगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय सभ्यता में नैतिकता आज भी एक मजबूत फाउंडेशन बनाए हुए खड़ी है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। द लेटर इज गॉडलेस। वो जो कहते हैं कि अगला जो है, जो दूसरा वाला जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो बिल्कुल गॉडलेस है। वहाँ भगवान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहाँ सिर्फ लोग सिर्फ पूजा किसकी करते हैं? मटेरियल, मतलब पैसा, टाका, मतलब मनी। वो बस इसी पर अपना ये रखते हैं, अपना सोच रखते हैं, है ना। सो आउटस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। और ये कहना चाहता है कि हर एक भारतीय जो इंडियन सिविलाइजेशन को जानता है, वो उसी तरह से इससे चिपका रहेगा जिस तरह से एक माँ की गोद में, माँ की छाती के साथ कोई बच्चा चिपका रहता है। क्योंकि यहाँ नैतिकता है, यहाँ मोरालिटी है, और पश्चिमी सभ्यताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो सिर्फ अनैतिकता को, इमोरालिटी को बढ़ावा देता है, और वहाँ गॉड नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ लोग, चूंकि भारतीय सभ्यता में ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पर लोग गॉड को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिस फॉर्म में भी मानते हैं, बट उनका बिलीफ, उनका जो विश्वास, उनका जो यकीन है, वो अपने भगवान पे, अपने खुदा पे, अपने ईश्वर पे है। लेकिन ऐसी बात वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो लोग इमोरालिटी को बढ़ावा देते हैं और मेटलिस्टिक हैं। वो लोग टाका पैसा को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 10। आई एम नो लेटर हेटर ऑफ द वेस्ट। कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यताओं का हेटर हूँ, मतलब मैं उसे घृणा करता हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहते नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ वेस्टर्न इसका लिटरेचर का, जो कि उस जो कि हमने, जिससे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। चलिए, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू द फुलेस्ट हाइट। और वो कह रहे हैं कि मैं थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी हूँ, ताकि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है, हमें टीच किया है कि हमको इंडिया को किस तरह से सबसे ऊँची हाइट तक, ऊँचाई तक ले जाना है। I must tell my countrymen frankly, मैं अपने देशवासियों को frankly कहना चाहता हूँ कि after years and years of experience of modern civilization, हमने बहुत modern civilization का काफ़ी वर्षों से हमने इसका मुआयना किया, हमने इसको देखा, लेकिन हमको क्या मिला? I have learned one lesson। महात्मा गांधी कह रहे हैं, हमने एक लेसन सीखा। वो लेसन क्या सीखा? इससे कि दैट इट दैट वी मस्ट शन इट
एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर हमको इस वेस्टर्न सभ्यता से पीछा छुड़ाना चाहिए, हमको इससे दूर रहना चाहिए, हमको इससे परहेज करना चाहिए। ये गांधी जी के वर्ड्स हैं, क्लियर है? गुड, चलिए 11th पॉइंट में चलते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? अभी सवाल पैदा होता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या चीज है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कहता है कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या चीज है, महात्मा गांधी सवाल कर रहे हैं कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये कुछ नहीं है, ये पैसा टका का पूजा होता है, वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स टका पैसा, दुनिया की चीजें, वर्ल्डली चीजों की पूजा होती है जहाँ, और इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, और हमारे अंदर जो एक छली कपटी एक इंसान, एक शैतान घुसा हुआ है, उसकी पूजा होती है, हमारे अंदर छल कपट जो होता है ब्रूट, उसकी पूजा होती है, सेल्फिशनेस की पूजा होती है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, क्लियर, खुला शब्द में ये मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म मींस वो सिस्टम जहां पर सिर्फ दुनियावी चीजों को महत्व दिया जाता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायंफ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, अगर इसको ये अगर मेटलिस्टिक चीजों के बारे में नहीं सोचे, हर दिन अपने आप को मेटलिस्टिक में जीतने के बारे में ना सोचे। मींस मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मेटेरियलिज्म तीनों एक चीज है। इसलिए कह रहेगा महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों को, हमारे सभ्यता को इससे दूर रहने की जरूरत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। इट इज परहैप्स नेसेसरी, शायद ये बहुत जरूरी नहीं है, इफ नॉट यूजलेस, अगर ये बेकार नहीं है, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। बेकार की बातें करेंगे अगर हम दोनों सिविलाइजेशन को तुलना करेंगे तो इनके जो मेरिट्स हैं, इनके जो गुण हैं, काफी अलग अलग हैं। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। ये हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता ने अपने अपने वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया और उसको बढ़ाया है। एंड सिमिलरली, उसी तरह से वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और यही है कि हमारे यहाँ जो कंडीशन है, हमारे यहाँ जो हालात हैं, उसके हिसाब से हमारा भी सिविलाइजेशन हमने उसको बढ़ावा दिया है, आज तक हम उसको पकड़ करके हैं। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और हम ये गांधी जी कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्फीयर्स में सही हैं। 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहता है कि आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये इंसान की जरूरतों को इतना ना बढ़ा दिया है कि इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती। आज ये चाहिए, वो चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, मतलब इनकी जरूरतों का कोई ठिकाना रहा ही नहीं, कोई गिनती रही नहीं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, लेकिन प्राचीन सभ्यता का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, वो क्या है? इट इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन, कहाँ चला गया, यस, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, जो हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता है। इसमें से हम अपने ज़रूरतों को, हाँ, उसको लिमिटेड करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि सिर्फ हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उतनी पूरी हो जाए, मोर, ये दिल मांगे मोर वाला सिचुएशन हमारे सामने ना आए, जो कि पश्चिमी सभ्यताओं में ऐसा हो रहा है। द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इनसेसिबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। वो जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अंत असंतुष्ट है, उसको अपने भगवान पर, अपने गॉड पर जरा भी यकीन नहीं है। वो मैकेनिक है, वो जानता है कि मैं मैकेनिकली अगर आगे बढ़ूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मीन्स स्पिरिचुअलिटी एक नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर कुछ मैकेनिकल हो गया है, बिल्कुल मशीन की तरह वो लोग सोचते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू हैव ऑल दिस थिंग्स, किस तरह से ये सारी दुनिया की चीज़ों को वो गेन कर सके। डिविनिटी, ईश्वरवाद उन लोगों में नहीं है।
The restraint of Indians on Eastern civilization, पूर्वी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता को अगर हम देखें तो इसमें क्या ये बिलीफ से आता है, बिलीफ यकीन, often in spite of ourselves in a nature of a state, in a future state and existence of a divine power. हम लोग क्या करते हैं, हमको यकीन है हम एक divine power के बारे में, दैवी दैवी जो शक्ति है उसके बारे में हम लोग यकीन करते हैं कि हाँ खुदा है, पावर है, कोई ना कोई मौजूद है जो हमें इंस्पायर करता है, लेकिन उन लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है. चलिए पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं. सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट. अब अभी अगर देखें, अभी अभी ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं जो मॉडर्न क्या बोलते हैं इन्वेंशंस हैं जो अभी भी नए नए आविष्कार हैं, बिल्कुल पागल करने वाले हैं. इज टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इतने पागल करने वाले हैं कि हम उसको रोक भी नहीं सकते. कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी. बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस. और हम ये आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे कोई भी शक नहीं है इस बात पर कि विक्ट्री ऑफ मैन, इंसान तभी जीत सकता है, इंसान की जीत इस बात पे मुनहसर करता है, निर्भर करता है कि वो इन सारी ज़रूरतों को, इन सारे वांट्स को क्या करे, रेसिस्ट करे, मीन्स कम करे. वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर. ये कहना चाहते हैं गांधी जी कि हम ऐसा तो नहीं कि खतरे में पड़ रहे हैं कि हम सौदा कर रहे हैं, बाटरी लेन देन, बाटरी मीन्स लेन देन का सौदा कर रहे हैं. कैसा लेन देन? हम परमानेंट गुड जो हमारे पास है, हम मोमेंट्री प्लेजर लेने के लिए परमानेंट गुड को बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे पास परमानेंट अच्छाई है, हम उसको क्षण भर के खुशी के लिए हम अपना परमानेंट खुशी दे नहीं सकते. ये गांधी जी का कहना है. पॉइंट नंबर 15 की बात करेंगे हम लोग. जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा कि वेस्ट में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल्स, सिमिलरली हिंदुस्तान हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन इन द स्पिरिट ऑफ द सॉल. कहते कि वहाँ के लोगों ने बहुत सारे डिस्कवरीज की हैं, इसमें कोई शक नहीं. उन लोगों ने खोज किया है, लेकिन खोज कैसा क्या है, मटेरियलिस्टिक खोज किया है, दुनियावी खोज किया है. लेकिन हमारे भारत में हिंदुइज्म के बारे में वो गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हिंदू भी थे तो उसे हिंदुइज्म के बारे में कह रहे हैं कि मार्वेलस बिल्कुल यकीन न हो, ऐसी डिस्कवरीज हमारे भारत में हुई हैं जो रिलीजन से संबंधित हैं और अदर स्पिरिचुअल चीज़ों से संबंधित हैं, सोल से संबंधित, स्पिरिचुअल सोल जो हमारे रूहानी ताकत को बढ़ावा देता है. ऐसी डिस्कवरीज हमारे भारत में हुए हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट हैं. पॉइंट नंबर 16 की बात करेंगे हम लोग. बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमको ये डिस्कवरीज दिखती नहीं है. वी आर डेजल्ड बाय द मेटल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्टर्न साइंस हैज मेड. हम सिर्फ वेस्टर्न पश्चिमी देशों को सिर्फ कहते हो साइंस में इतना तरक्की किया, इतना किया, हमारे यहाँ भी तो तरक्की हुई ना भाई साहब, हम उनको क्यों नहीं देखते. ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी. आई एम नॉट एनेमर्ड ऑफ द क्या बोलते हैं प्रोग्रेस, मैं ऐसे 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 प्रोग्रेस से खुश नहीं हूँ, है ना, इनेमट भी नाखुश हूँ. एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेल्ड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनडश मेटेरियलिज्म. वो कहते हैं कि जो ऑनडश आजकल इतना भागम भाग चल रहा है, ये भागम भाग जो चल रही है ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया में चलती है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सिखाया है. हमारे भारत में कंटेंटमेंट, संतुष्टि, संतोष रहना, अपने ज़रूरतों को लिमिट करके रखना सिखाया गया है. तो ये जो हमारा है ये ज़्यादा बेहतर है पश्चिमी सभ्यता की तुलना में. आफ्टरऑल आखिरकार देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो बात है हिंदुइज्म में दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ. आज तक ये भारतीय सभ्यता जिंदा है और अपने बेस पे खड़ा है, कुछ तो बात है इसमें. इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियंस, इसी सभ्यता ने बेबीलोनियंस को डूबते देखा है, सीरियंस को खत्म होते देखा है, पर्शियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को ढाते हुए देखा है. कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ एक आप तुम नजर डालो, वेयर इज रोम एंड ग्रीस. आज रोम और ग्रीस यूनान कहां पर है? कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबोन, क्या तुम
जीवन की इटली तुम आज तुम देख सकते हो, तुम प्राप्त कर सकते हो। गिबोन एक नाम था हिस्टोरियन का, जो वो लिखा करता था, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। और रादर एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या ऐसा है जो हुआ करता था, जो उसकी ग्लोरी थी, आज है क्या? सब मस्मार हो गया, सब मिट गया। गो टू ग्रीस, पॉइंट 18 कहते ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ चला गया? जो दुनिया में इतना मशहूर था वो सिविलाइजेशन कहाँ डूब गया? द कमिंग ऑफ इंडिया, देन कमिंग टू इंडिया, और इंडिया आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से यस, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया इज स्टिल लिविंग। रोम जाओ, ग्रीस जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया आओ, भारत आओ, तुमको सब कुछ मिलेगा। पुरानी सभ्यता की चीज़ें आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे गांधी जी ने सिर्फ कहा कि हमारे भारत में आज भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की सारी चीज़ें जिंदा हैं, इनका आधार बिल्कुल मजबूत है। पॉइंट नंबर 19, ट्रू, सही, देर आर डंग हिप्स, ये सही बात है कि हमारे यहाँ गोबर के ढेर मिलेंगे। डंग हिप्स, गोबर के ढेर, हाँ गोबर के ढेर मिलेंगे। टू, हेयर एंड देर, यहाँ और वहाँ गोबर के ढेर आपको मिल जाएंगे। बट देर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, लेकिन इस धरती पे हर जगह खजाना ही खजाना भरा हुआ है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइंस। यही कारण है कि ये धरती आज भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सालों से, हजारों सालों से स्पिरिचुअलिज्म को, रूहानियत को, नैतिकता को बढ़ावा दिया गया है। पॉइंट नंबर 20, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड ऑन नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज हमको ये नहीं सिखाता कि हम जरूरतों को बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं, नहीं नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस, हम सेल्फ इंडल्ज हो जाएं किसी भी चीज़ में जल्दी, नहीं, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनाइल। हम क्या करते हैं, अपने ज़रूरतों को कम करते हैं, सेल्फ डिनाइल पे जाते हैं और अपने ज़रूरतों को रिस्ट्रिक्ट हम करके कंटेंटेड रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना जानते हैं। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। 21 पॉइंट नंबर, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नो डाउट, कोई शक नहीं कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, कोई शक नहीं, सुटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रिमेन रूम फॉर इंडिया इफ एंडेवर टू कॉपी इट। ये उसके लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया में इसको हम कॉपी करें, इसका हम नकल करें, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट टू से, ऐसा कहना हमको नहीं है, दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बायस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हम पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि हम किसी भी चीज़ को जज्ब नहीं कर सकते, हम चेंज को नहीं अपना सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमको जो अपनाना है, हमको अपने अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए हम उसको अपनाएंगे, जो हमको ज़रूरत नहीं है हम उसको नहीं अपनाएंगे। यही चीज़ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहे हैं। चलिए तो हम पॉइंट नंबर 22 की बात करते हैं। द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मेटेरियल एफर्ट्स कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एन एविल एंड आई मेक होल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। हम ये कहना चाहते हैं कि इंसिस्टेंट, लगातार ये जो सर्च हो रहा है मेटेरियल कंफर्ट्स के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी ऐशो आराम के लिए, जो भी यूरोप में आजकल बढ़ता जा रहा है, हमको उसको रीमॉडल करने की जरूरत है, उसको हमको दूसरे नज़र से देखने की जरूरत है, ताकि इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स। अगर हम इसी कंफर्ट के पीछे पीछे भागने लगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, टू विच दे आर बिकम स्लेव्स, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसका गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है, महात्मा गांधी कह रहे हैं, हो सकता है कि मेरा ऐसा आंकना गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट
सर्टन डेथ, अगर ये इंडिया इस ऐश्वर्य के पीछे भागे तो ये पक्का पक्का तय है कि इसके लिए मौत की घंटी है, सर्टन डेथ है, पक्का पक्का इसका खात्मा संभव है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलो हम अपने दिल में आज 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 बिल्कुल लिख लेते हैं, बसा लेते हैं, ठान लेते हैं कि मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर, जो वेस्टर्न फिलोसोफर ने, पश्चिमी जो एक फिलोसोफर था उसने कहा था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल रहना और अच्छा सोचना। टुडे इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव फ्यू, कुछ ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई लिविंग अच्छी तरह तो रह नहीं पाते जैसा कि हम थोड़े लोग, थोड़े कुछ लोग रहते हैं। हु प्रोफेसेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। आज के जमाने में उल्टा हो गया है, लोग प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, हाई लिविंग प्लेन थिंकिंग वाली बात हो गई है। चलिए लास्ट में हम लोग पॉइंट नंबर 23 की बात कर लेते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। ये जो सिविलाइजेशन इन द सेंस ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो ये जरूरतों को बढ़ाने की नहीं बल्कि इसको लिमिटेड करने की और संतुष्ट रहने की और खुश रहने की एक बिल्कुल एक सिस्टम होनी चाहिए। ओके, देर दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। जब हम अपनी जरूरतों को लिमिटेड करेंगे, रिस्ट्रिक्ट हम लोग करेंगे तो तभी जाकर हमको रियल हैप्पीनेस, सही सुख हमको प्राप्त होगा। आखिरी एंड लास्ट बिल्कुल 24 पॉइंट, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव सर्टेन लेवल्स इज बिकम हिंड्रेंस इंस्टेड हेल्प। हम जब ज़्यादा फिजिकल हार्मनी में आते हैं, आराम करना चाहते हैं, हम कुछ काम करना नहीं चाहते, हम हाथ पैर को हिलाना नहीं चाहते, तो फिर ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा हमारे ज़िंदगी में कि हमारे हमें कोई मदद नहीं कर पाएगा, हमारे रास्ते में, हमारे प्रोग्रेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा, हिंड्रेंस होकर सामने आ जाएगी। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ ये मिटा हुआ है ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड अ स्नियर। एक फंदा है, एक धोखा है, इस तरह की जरूरतों को पूरा करना आप लिमिटेड रखिए, यही आपके लिए अच्छा है, यही सबके लिए अच्छा है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स फिजिकल नीड्स, फिजिकल जरूरतों की सेटिस्फेक्शन के लिए इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन्स नैरो सेल्फ मस्ट नीड एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप बट डेंजरस इन टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्शियसनेस। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ हार्मनी विच ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। कहता है कि जितनी भी आप में एनर्जी है, जितना भी आप में चीज़ है उसको आप कॉन्सेंट्रेट करिए, जरूरतों को बढ़ाने के लिए नहीं, जरूरतों को कम करने के लिए, ताकि कि यही चीज़ आपको आपकी लाइफ में, आपके सिविलाइजेशन में सुख शांति चैन दे सके। चलिए तो यही था आपके महात्मा गांधी के सारे पॉइंट्स, ये आपके 24 पॉइंट्स खत्म हो गए, इसको एक बार देख लीजिए, अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए इसी के लिए, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय।